Давай. Взяли, взяли. देखिए दुर्भाग्य है कि 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, यूपीए की सरकार रही, सोनिया जी ने की कयादत रही, हम लोग अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बड़ी मजबूती से रखते रहे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बिल्कुल अकेला थकेला पड़ गया। दुर्भाग्य है कि इस वक्त विदेश नीति के नाम पर इस सरकार में विदेश नीति में कौन आगे है यही समझ में नहीं आता है। इनके लिए विदेश नीति जो है इवेंट बन गया है। आप जाइए, तालियां बजवाइए, किसी घर खाना खा लीजिए, किसी घर जाके किसी के मंदिर में जाके ढोल बजा लीजिए, ये विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति होती है कि आप किस तरह से दूसरे देशों के सामने अपने देश की छवि को रखते हैं, अपने देश की समस्याओं को किस तरह से मजबूती से रखते हैं, और यहाँ ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान अपनी बात बार बार कर रहा है, कभी यूएन में जा रहा है, कभी सार्क में बोल रहा है, तमाम जगह वो जो है वो जो कश्मीर का मुद्दा हमारा, और कश्मीर के अंदर लगातार वो घुसपैठ कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन जो है वहाँ पे मर रहे हैं, तो ये इसका मुकाबला अगर नहीं समझ में आ रहा है इस सरकार के प्रधानमंत्री के, तो उनको चाहिए कि कम से कम देश को सामने रखते हुए अपने तमाम वो लोग जिन्होंने पहले इस देश में काम किया है, विदेश नीति पे काम किया है, उनसे समझें, उनके साथ बैठें, उनके साथ में सलाह करें, क्योंकि ये बीजेपी का मसला नहीं है,